जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं, जो आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे कईयों को ऐसा लग रहा है कि मैं मेडिकल अनफिट हो सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या ज्वाइनिंग के टाइम में मेरी आईज चेक होगी, या कईयों के बहुत सारे की मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम बहुत हो रखी है सभी को, क्योंकि काफ़ी लंबा अर्सा हो गया इस वैकेंसी को, 3 साल के आसपास हो गया, और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको ये डाउट होने लग जाता है कि मेडिकल हुए भी 12 महीने कंप्लीट हो गए, कईयों के 12 महीने के आसपास कंप्लीट हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक तो उनके 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, वापस रिटर्न से जब ज्वाइनिंग होगी तो मेडिकल होगा तो क्या मैं अनफिट हो जाऊँगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि अब मैं अगर अनफिट हो गया तो क्या होगा, मुझे बाहर कर देंगे, मौका देंगे कि नहीं देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी समय बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहे हैं, और बार बार वो कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं कि सर मेरी आईज़ में ये प्रॉब्लम है, मेरे नोज़ में ये प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है। तो ये स्पेशली वीडियो में पूरा का पूरा इसी पर डिस्कस करने के लिए बनाया हूँ आपको, कि ताकि आपको ध्यान रहे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस बात का आपको चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल 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 मेडिकल, इसकी बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम है। कई जो मेडिकल फिट हुए उनके तो अभी 6 महीने कम्प्लीट नहीं हुए या 12 महीने कम्प्लीट नहीं हुए, लेकिन जो डायरेक्ट मेडिकल फिट थे, ग्राउंड मेडिकल जो फिट हो गए थे, उनको टाइम हो गया है 12 महीने के आसपास, तो उनको ये भी डर है कि अब हमारे आई चेक होगी, वापस नोज चेक होगा या हाथ पैर कुछ भी चेक होगा, तो उसमें अब क्या होगा हमारा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको अगर किस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और पूरा का पूरा वीडियो स्पेशली इसी पे है दोस्तों। साथ बता दूँ मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास, और साथ में जो भी नई वैकेंसी या नई अपडेट आती है उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, उस पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, तो आप अपडेट रहने के लिए न्यू वैकेंसियों के लिए तो उस पर भी जा सकते हो, और मैं तो रीजनिंग क्लास लेने के लिए भी मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं कि जो मेडिकल अब आपका दोबारा जो मेडिकल होगा या नहीं होगा, पहले बात तो कि ये 90% चांस है कि आपका मेडिकल हो ही ना, 100% मान के चलिए आपका मेडिकल दोबारा पूर्णतः मेडिकल आपका दोबारा नहीं होगा, जैसे ब्लड जाँच या खून टेस्ट इस प्रकार का, जैसे आपका एक्सरे वैक्सरे जो हुआ था उस समय मेडिकल के समय, यूरिन टेस्ट हो गए, एक्सरे हुआ था बैक का, फ्रंट का, तो आईज का बंद करा के ऐसे करके, या कान का वो वर्ड आपने पढ़े होंगे जब रूम में जाके, या टोटल शरीर का जो इस प्रकार का जो मेडिकल हुआ था, तो 100% चांस तो ये है कि आपका उस प्रकार का मेडिकल होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम में या हमारे से पहले जितने भी ज्वाइनिंग किया है, हमारे बाद में जो भी ज्वाइनिंग किए हैं किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में, तो उसका मेडिकल नहीं हुआ है दोबारा मेडिकल नहीं हुआ। हमारा तो सरसरी तौर पे भी मेडिकल नहीं हुआ था, मैं सीधी बात बताऊँ कि हमारा तो सरसरी तौर पे भी मेडिकल नहीं हुआ था, सरसरी तौर पे भी केवल उसी का मेडिकल हुआ था। हमारे बेस में हमको पता है एक बंदा प्लास्टर करके आया था हाथ के, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो पूरे हाथ के इधर से इधर तक एक प्लास्टर उसके बंधा हुआ था, तो ज़रूर उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, उसका मेडिकल हुआ था। मेडिकल क्या बात है उसका, कि उसके हाथ को ऐसे चेक किया कि भाई क्या चोट है क्या नहीं, उसकी रिपोर्ट देखी, वो तैयार होने लायक है, तैयार होने की कंडीशन में था, तो उसको टाइम दिया था 3 महीने का कि आप 3 महीने बाद में आइए और ज्वाइन कर सकते हो, आपको ये 3 महीने का टाइम दिया गया। और भी 2 लड़के थे जिनको पैरों में प्रॉब्लम थी, तो उनकी तो ज्वाइनिंग ले ली थी, वो ज्वाइनिंग होने बाद में वहीं डिपार्टमेंटली जो हॉस्पिटल था उसी में ठीक कराए थे उन्होंने, उनके पैरों में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा नहीं थी, चोट वोट का कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर भी उनकी ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों। तो ये आपके अगर दिल में ये ख्याल आ रहा है कि अब आप मेडिकल अनफिट हो जाओगे, तो पहली बात तो ये दिल में से ये ख्याल निकाल दो कि आप मेडिकल अब अनफिट हो जाओगे। एक बार मेडिकल फिट इसका मतलब फिट। अब रही बात कि किस किस को ज़्यादा घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत है, किसको नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ और शुरू से बोलता भी आया हूँ कि पहली बात तो मेडिकल होगा नहीं, सरसरी तौर पर मेडिकल होगा, ठीक है। सरसरी तौर पर मैं हर बार वीडियो में बता दिया हूँ कि किस प्रकार से मेडिकल होता है, सरसरी तौर पर हाथ पैरों को मोटा मोटा चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी चोट चाट तो नहीं है। अब चिंता किसको करने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है हाथ या पैर या कहीं पे भी, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा, बाहर नहीं निकालेंगे। अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया बड़ा, तो उस बात का ध्यान रखें कि उसको बाहर निकालेंगे नहीं, इसके लिए चिंतित ना हो। दूसरा, अगर मान लो कोई बड़ी इंजरी हो गई है या कोई सर्जरी कराई है या किसी का ऑपरेशन हुआ है, एक बात इस बात का ध्यान रखना आप कि छुपाना नहीं, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है
और जिसकी वजह से आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रहे कि जब आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग करने के बाद में वहाँ के हॉस्पिटल में जाके इस प्रकार की अपनी प्रॉब्लम को बता देना, ताकि प्रॉब्लम सही हो जाए। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपके वो प्रॉब्लम सामने आती है, ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, फिर तैयार होने में टाइम लगेगा, फिर अगले बैच के साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या कि आपका ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा, आपको बाहर फिर भी नहीं निकालेंगे। क्योंकि मेरे साथ का एक लड़का था जिसने ट्रेनिंग के दौरान उसके लेग में एक प्रॉब्लम हो गई थी, अभी तक ठीक नहीं हुआ और अभी तक वो CRPF में है, ड्यूटी कर रहा है ग्रुप सेंटर में, अभी भी उसको टाइम दिया हुआ। तो आप देख लीजिए, 3-4 साल के आसपास उसको टाइम मिल गया, 4 साल का टाइम मिल गया तैयार करने के लिए। अभी भी ऑफिस में काम करता है और आई थिंक कि उसको अभी भी जॉब से क्विट नहीं किया है, तो वो जॉब से अभी तक मतलब 4 साल का टाइम हो गया उसके पास में, 4 साल तक उसको जॉब से क्विट नहीं किया है CRPF ने। तो कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स क्विट नहीं करता कि भाई आप जाओ जॉब छोड़ के, आपको एग्जिट दिखा दिया रास्ता कि जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बात पे बोल रहा हूँ कि अगर आपने सर्जरी या ऑपरेशन या कुछ ऐसा करवाया जिसकी वजह से आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस बात को जब आप ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग से ग्रुप सेंटर में जाते हो और ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल होता है उसमें रिपोर्ट करके अपना ठीक कर सकते हो सिस्टम, बता सकते हो कि मैं इस बैच के साथ नहीं, अगले बैच के साथ ट्रेनिंग करना चाहूँगा क्योंकि मेरे ये इंजरी हुई थी, इसका मैंने ये ऑपरेशन करवा लिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी जैसे सर्जरी किसी को कहीं की, जैसे आँख की, नाक की, या छोटी मोटी कहीं पे करवाई है, या कोई टैटू वेटू मिटाने वाली वैसे करवाई, तो उनसे प्रॉब्लम नहीं होती ट्रेनिंग में, क्योंकि उनका कोई प्रॉब्लम, जैसे नाक कहीं का टेढ़ा मेढ़ा होता है, TNS होता है, तो वो अगर प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल चिंतित हो मन, ठीक है। अब कहीं की जैसे वो मैंने कल भी वीडियो में बताया था, कहीं पाइल्स की वो बोले कि हमारे पाइल्स हो गई, कहीं की जो नस पैर की जो बाहर आती है उसको बाहर आ गई, या घुटने के अंदर जो दर्द हो रहा है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो इसको तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आपको कोई नहीं निकालने वाला। और जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप सॉल्यूशन कर सकते हो उसका, तो ज़रूर सॉल्यूशन कर लेता कि ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं। अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब तो आप हॉस्पिटल जाओ, आपको जब तक प्रॉब्लम ना हो तब तक आप हॉस्पिटल भी ना जाओ, वहीं ज्वाइनिंग कर लो, ट्रेनिंग में चले जाओ। ट्रेनिंग सेंटर में आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चलो घर भेज दो या ट्रेनिंग से आउट कर दो, नहीं, ट्रेनिंग सेंटर में भी एक शेड्यूल होता है जिसमें आपको मेडिकल की अलग से रेस्ट दी जाती है, जिसमें होता क्या कि अगर आप मान लो ट्रेनिंग कर रहे हो, आप पहले महीने में बीमार हो गए, तो क्या आपको घर भेज देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको उसमें को हॉस्पिटल में रखा जाता है, हॉस्पिटल रेस्ट डेज काउंट होते हैं, उसमें हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल होते हैं उसके कुछ रेस्ट के दिन होते हैं, मेडिकल के कुछ दिन होते हैं, मेडिकल की जो लीव बोलते हैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में, उस समय वो मेडिकल लीव नहीं होती, लेकिन आप मेडिकल में वहाँ रहते हो और तैयार होकर वापस अपनी ट्रेनिंग में आ जाते हो, तो उसकी एक लिमिट होती है, उसमें लगातार मतलब 14 दिन 15 दिन 16 दिन इस प्रकार से अगर ज़्यादा रहते हैं तब आपको ट्रेनिंग से आउट किया जाता है, फिर अगले बैच की ट्रेनिंग के साथ आपकी ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन अगर मान लो 5-4 दिन 10 दिन में अगर आप तैयार होते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें इस विशेष कि आपको इस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बगैर फालतू आप ऐसी टेंशन ना ले, और ना ही आपको कोई बाहर निकालेगा, बाहर तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात को तो आप जड़ से ख़त्म कर दीजिए कि आपको बाहर तो कोई निकाल ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। आपकी अगर फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आता है, इसका मतलब है कि आपकी जॉब 101% फाइनल है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल ही चिंतित ना हो, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल का मैंने बता दिया कि अगर आपकी कोई बड़ी इंजरी या बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ है तो आपको चिंता करने की थोड़ी सी जरूरत है। उसमें भी चिंता ये है कि वहाँ पर जाके आपको बताना, दिखाना, अपना काम करना, और कुछ नहीं, आपकी ज्वाइनिंग को नहीं रुकेगी फिर भी, या आपको मतलब ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अगर आप ऐसा प्रकार का कुछ सोच रहे हो तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। मेडिकल आपका सिर्फ सरसरी तौर पे होगा, बड़ा मेडिकल नहीं होगा अब, जैसा कि आपका उस समय हुआ था, उस प्रकार का मेडिकल अब नहीं हुआ, क्योंकि हर एक ग्रुप सेंटर में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि इतना बड़ा मेडिकल की प्रोसेस कराई जाए, बाहर से कराना पड़ता है और होता भी नहीं है, क्योंकि 12 महीने में इसकी ज्वाइनिंग SGD आप सभी को पता है कि फाइनल मेरिट होने में या पेपर होने में या मेडिकल होने में 10 से 11 महीना 12 महीना लग ही जाता है, तो मेडिकल नहीं करते हैं। हाँ, अगर किसी को इस प्रकार की, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार की अगर चोटें हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी आप ज्वाइन कर ले, आपको बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं अनफिट हो जाऊँगा नहीं हो जाऊँगा, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना दोस्तों।